हेलो स्टूडेंट्स, आइए आपकी इंग्लिश की वर्कशीट देख लेते हैं। आज आपकी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 21। ये 22 अगस्त की सैटरडे की वर्कशीट है। तो ये जो वर्कशीट है आपकी, ये कंटिन्यूएशन में है रिपोर्टेड स्पीच पर, जो हम पिछली दो तीन वर्कशीट्स में भी कर चुके हैं। अगर आपको इस टॉपिक बिल्कुल ही न्यू लग रहा है, तो आप पिछली हमारी वीडियोज देखिए और उसे समझिए। मैं ये वीडियो जो है बहुत ही टू द पॉइंट बनाऊंगी, क्योंकि ऑलरेडी हम एक वर्कशीट कर चुके हैं जो जिसमें ऑलमोस्ट सेम ही कॉन्सेप्ट है, बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है। तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप पिछली वर्कशीट की जो वीडियो है वो जरूर देखिएगा, और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाइए, ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें तो आपको इमीडिएटली पता चल जाए और आपको बार बार पूछना ना पड़े कि ये कब वीडियो अपलोड होगी। तो इस वर्कशीट के बाद हम करेंगे इकोनॉमिक्स की वर्कशीट, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही करेंगे हम। तो अब जल्दी से इंग्लिश की वर्कशीट देख लेते हैं कि उसमें क्या है। तो लास्ट टाइम हमने जो वर्कशीट की थी उसमें हमने डायरेक्ट स्पीच को रिपोर्टेड स्पीच में चेंज किया था, लेकिन हमने एक रिक्वेस्ट को चेंज किया था। तो जब आप डायरेक्टली किसी को रिक्वेस्ट करते हैं, कुछ मांगते हैं, कोई चीज के बारे में पूछते हैं, तो वो जो डायरेक्ट स्पीच आप यूज करते हैं, उसको जब आप किसी को रिपोर्ट करते हैं, किसी और को, किसी तीसरे को बताते हैं कि उसने मुझसे ऐसे रिक्वेस्ट किया या मैंने उससे ऐसे रिक्वेस्ट किया, तो जो आप सेंटेंसेस जैसे आप लिखेंगे वो हमने पिछले वर्कशीट में लिखा था। अब रिक्वेस्ट करना जो होता है वो एक पोलाइट वे है ऑफ आस्किंग समवन टू डू समथिंग फॉर अस। तो हम बहुत पोलाइटली किसी से पूछते हैं कि क्या आप ये कर सकते हैं, तब हम रिक्वेस्ट करते हैं। लेकिन वही कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि कोई हमें डायरेक्टली भी कहता है कि ये आप करो, और उसको हम फिर ऑर्डर कहते हैं। हम बोलते हैं ना, ये मेरे को ऑर्डर मत दे, मतलब कि वो मेरे को डायरेक्टली कह रहा है कि ये कर, नहीं तो ऐसे होगा। तो जब कोई हमसे डायरेक्टली कुछ करने को कहता है उसे ऑर्डर कहते हैं। तो अब किसी का ऑर्डर दिया हुआ, डायरेक्ट ऑर्डर अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करना है, तो आप कैसे करेंगे, वही इस वर्कशीट में है। तो सबसे पहले इस वर्कशीट में देख लेते हैं आपका सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। बहुत ही छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, रीड द वर्ड्स गिवन बिलो। ये नीचे जो वर्ड्स यहाँ लिखे हैं वो आपको पढ़ने हैं। सर्कल दोज विच यू थिंक आर रिलेटेड टू डायरेक्टली टेलिंग समवन टू डू समथिंग। तो आपको उन उन वर्ड्स को सर्कल करना है जो आपको डायरेक्टली बताते हैं कि इस इन वर्ड्स के थ्रू आपको पता चलता है कोई किसी को डायरेक्टली कुछ करने को कह रहा है। तो ऐसे वर्ड्स कौन कौन से हो सकते हैं, वर्ड यहाँ पर जल्दी से देख लेते हैं। पहला वर्ड यहाँ कह रहा है वॉर्न। वॉर्न जब आप किसी को बिल्कुल डायरेक्टली बोलते हैं कि ये मत करना वरना ये हो जाएगा, किसी को जब धमकी देते हैं या कुछ भी अलर्ट करते हैं, तो वॉर्न आपका जरूर होगा ऐसा वर्ड जो आपको डायरेक्टली बता रहा है। फिर दूसरा वर्ड है बेग। तो किसी से जब आप भीख मांगते हैं तो वो ऑफ कोर्स डायरेक्ट बोलना नहीं है कि भाई ये करो, क्योंकि आप भीख मांग रहे हैं, अगर हो सके तो प्लीज मुझे ये दे दो, तो ये वर्ड आप सर्कल नहीं करेंगे। तीसरा वर्ड है ऑर्डर। जब आप किसी को ऑर्डर देते हैं ये कर, तो डेफिनेटली ये डायरेक्ट है। फिर कमांड, किसी को कमांड देते हैं, ये भी वो वर्ड है। फिर है रिक्वेस्ट। तो जब आप रिक्वेस्ट करते हैं तो ऑब्वियसली जैसा हम पहले पिछली वर्कशीट में कर चुके हैं, तो इसमें आप डायरेक्टली नहीं कह रहे हैं, आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसलिए ये नहीं होगा। फिर है आस्क। आप किसी को डायरेक्टली बोल सकते हैं मैं ये चाहता हूं कि तुम ये करो, तो आस्क हो जाता है। वहीं वहीं फॉरबिड। तो किसी को कुछ करने से जब आप रोकते हैं तो उसे फॉरबिड बोलते हैं, तो इसलिए ये वर्ड भी जो है वो आप सर्कल करेंगे, क्योंकि आप डायरेक्टली उसको बोल रहे हैं कि ये मत कर। तो ये सारे शब्द जो है आप इन्हें इनसर्कल करेंगे। आगे चलते हैं। अब ये जो सेंटेंसेस हैं जिन्हें आप ऑर्डर कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, इनको रिपोर्टेड स्पीच में चेंज कैसे करते हैं, तो जैसा पिछली वर्कशीट में हमने किया था जहां रिक्वेस्ट कर रहे थे हम, वैसा ही वही चीज हम यहाँ पर भी फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले तो हम आस्क वर्ड यूज करेंगे। आप आस्क की जगह इनमें से जो जो हमने अभी सर्कल किए थे इनमें से कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद आप नाउन या प्रोनाउन यूज करेंगे। तो जिस भी इंसान की बात हो रही है, जगह की बात हो रही है, वो यहाँ पर आप यूज करेंगे। जिसको ऑर्डर दिया गया है उसका यहाँ पर नाम या उसका प्रोनाउन ही शी इट आप यहाँ पर यूज करेंगे। फिर आप लिखेंगे टू।
टू, और टू लिखने के बाद फिर आप यहां लिखेंगे वर्ड की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव, जिसमें बताया गया है क्या करने को कहा गया है। तो यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं कि जब आप ऐसे चेंज कर रहे हैं तो आप आस्क की जगह टेल भी यूज कर सकते हैं, या वॉन्ट यूज कर सकते हैं, ऑर्डर यूज कर सकते हैं, कमांड यूज कर सकते हैं, या फॉरबिड यूज कर सकते हैं। तो जिस तरह से हमने यहाँ ऑलरेडी किया था वैसे ही आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिखाए गए हैं, जल्दी से ये एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है यहाँ पर, द टीचर सेड लुक अप द मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स इन द डिक्शनरी। तो डायरेक्टली आपको टीचर ने कहा है कि डिक्शनरी में ये वर्ड्स के मीनिंग ढूंढो। तो आप यहाँ क्या करेंगे, द टीचर, आप एज इट इज लिखेंगे द टीचर, फिर सेड जो यहाँ पर वर्ड है, सेड की जगह आप लिखेंगे टोल्ड। तो जैसा हमने कहा यहाँ पर इन जो ये सारे वर्ड्स हैं, इन सभी वर्ड्स में से आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। आप कौन सा वर्ड यूज करेंगे ये आप सेंटेंस के ऊपर देख सकते हैं। तो जैसे आप आगे देखेंगे कि कुछ सेंटेंसेस जो है उनमें धमकी दी जा रही है, बिल्कुल डायरेक्टली उसे वॉर्न किया जा रहा है, तो उसमें आप वॉर्न जैसा वर्ड यूज करेंगे। किसी में डायरेक्टली बोला गया है तो आप टोल्ड यूज करेंगे। किसी में ऐसा लग रहा है कि ऑर्डर दिया गया है किसी को, तो आप ऑर्डर्ड यूज करेंगे। तो जो सेंटेंस का मीनिंग जो है उसके हिसाब से आप देखेंगे कि यहाँ पे से कौन से वर्ड्स आप यूज करेंगे। तो टीचर क्योंकि ऑर्डर नहीं देती है और यहाँ पर वार्निंग भी नहीं दे रही है, तो इसलिए हम सेड को यहाँ टोल्ड कर देंगे। आप आस्क्ड भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो अब टीचर ने किससे पूछा है, टीचर ने आप सबसे पूछा है। तो जैसा यहाँ पर अगला स्टेप है नाउन और या प्रोनाउन, तो यहाँ हम प्रोनाउन यूज कर रहे हैं अस, हम सबको कहा अस। उसके बाद आपको लगाना है टू, तो यहाँ पर फिर टू लग गया। उसके बाद आपको जो भी काम आपको कहा गया है उसको यहाँ पर लिखना है। तो एज इट इज आप यहाँ देख सकते हैं ये लुक की फर्स्ट फॉर्म ही है, तो आप लुक ही लिखेंगे, लुक अप, और उसके बाद जो भी सेंटेंस है लुक अप द मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स इन द डिक्शनरी आप एज इट इज लिख देंगे। ध्यान रखिए ये इन्वर्टेड कॉमा और ये वाला कॉमा यहाँ नहीं आएगा रिपोर्टेड स्पीच में। तो ये आपका एक हो गया। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल है, द पुलिसमैन सेड टू द रॉबर डोंट मूव। तो आप देख सकते हैं कि पुलिसमैन ने उसको धमकी दी है, वार्निंग दी है रॉबर को, चोर को, तो इसलिए आप यहाँ पर वॉर्न वर्ड यूज कर सकते हैं। तो देखिए ये द पुलिसमैन है यहाँ पर, इधर भी आ गया पुलिसमैन। फिर अब आस्ट, ये सेड जो वर्ड है सेड, ये एज इट इज सेड बन गया वॉर्न्ड, धमकी दी वॉन्ड, और ध्यान रखिए ये पास्ट फॉर्म यहाँ यूज होगा वॉन्ड। फिर टू द रॉबर, किसको कहा गया है उसने, द रॉबर को कहा है, तो वॉन्ड द रॉबर, तो द रॉबर यहाँ लिख लिया। आप देख लीजिए कि मैं यहाँ कुछ भी नया वर्ड ऐड नहीं कर रही हूँ, जो जिसकी जगह नया वर्ड ऐड हो रहा है मैं हाईलाइट कर रही हूँ, बाकी एज इट इज है। तो ये बहुत ही सिंपल है। फिर आप ये कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा यूज नहीं करेंगे। उसने क्या एक्शन करने को बोला है, उसने बोला है डोंट मूव, डू नॉट मूव, तो नॉट आप लिखेंगे यहीं से ही, नॉट आपने यहाँ लिख दिया। उसके बाद टू जैसा कि यहाँ पर कहा गया है तो आप टू लगाएंगे, और किस चीज के लिए, काम क्या है, मूव करना, तो नॉट टू मूव, यहां से मत हिलो, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर कई और भी यहाँ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं, और अगर कोई भी डाउट है आपको तो आप हमसे पूछ सकते हैं। मैं सीधा क्वेश्चंस की तरफ चलती हूँ। तो क्वेश्चन आपके यहाँ पर क्या है, तो पहला क्वेश्चन है आपका, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट एक्सरसाइज फॉर 30 मिनट्स एवरी डे। तो मैं एक काम करूंगी, मैं आपको ये फर्स्ट वाला करके दिखा देती हूँ, और मैं आपको ये फोर्थ वाला करके दिखा देती हूँ। उसके बाद जो बाकी तीन है मैं बस आपको लिख कर दे दूंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप कॉमेंट सेक्शन में हमसे जरूर पूछ सकते हैं। तो पहला जो है आपका वो देख लेते हैं जल्दी से। तो मैं साथ के साथ में टाइप करती हूँ ताकि आपको पता रहे कि इसको कैसे चेंज करना है। तो द डॉक्टर है, तो द डॉक्टर मैंने एज इट इज लिखा क्योंकि कौन कह रहा है। सेड को हम चेंज करेंगे टोल्ड में, टोल्ड लिख सकते हैं या ऑर्डर्ड लिख सकते हैं आप यहाँ पर, क्यों, क्योंकि वो बोल रहा है, डॉक्टर उसको बोल रहा है कि एक्सरसाइज करो, तो उसने उसको डायरेक्टली बताया टोल्ड। किसको बोला उसने, टोल्ड द पेशेंट, यहाँ पर द पेशेंट है, तो सेड टू बन गया टोल्ड, और द पेशेंट मैंने एज इट इज लिख दिया है। अब क्या बोला डॉक्टर ने, द डॉक्टर टोल्ड द पेशेंट टू,
तो द पेशेंट जो है यहाँ नाउन है, उसके बाद हमने जैसे फॉर्मूला में देखा था कि टू लग जाएगा, और उसके बाद जो भी काम करने को बोला गया है उसकी फर्स्ट फॉर्म, तो एक्सरसाइज की फर्स्ट फॉर्म एक्सरसाइज ही होती है, तो आप एज इट इज लिख देंगे एक्सरसाइज फॉर 30 मिनट्स एवरी डे। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल ही सिंपल है, मैंने एज इट इज यहाँ पर सेंटेंस से उठाया है। सो द डॉक्टर टोल्ड द पेशेंट टू एक्सरसाइज फॉर 30 मिनट्स एवरी डे। अब मैं चलती हूँ फोर्थ वाले पे। फोर्थ है आपका आई सेड टू माई लिटिल ब्रदर टर्न ऑफ द टैप। तो यहां पर आप इसको कैसे लिखेंगे, ये फोर्थ वाला है ध्यान रखिएगा, तो आप यहाँ लिखेंगे आई सेड टू माई लिटिल ब्रदर, उसको आप लिखेंगे आई टोल्ड, या फिर आप आस्ट भी लिख सकते हैं आई आस्ट, फिर किससे पूछा आपने, यहाँ ये नाउन है माई लिटिल ब्रदर, तो आप लिखेंगे माई लिटिल ब्रदर किस चीज के लिए पूछा, टू, तो टू जैसे फॉर्मूला में है टू, किस चीज के लिए पूछा, टर्न ऑफ द टैप, आई आस्क माई लिटिल ब्रदर टू टर्न ऑफ द टैप। तो ये आपका फोर्थ वाला भी हो गया। अब जल्दी से मैं आपको सेकंड थर्ड और फिफ्थ भी यहाँ पर दिखा देती हूँ, कोई डाउट हो तो बिल्कुल पूछिए आप हमसे। तो ये सेकंड जो है द पुलिसमैन सेड टू द बॉयज गेट आउट ऑफ द कार, ये बन जाएगा द पुलिसमैन ऑर्डर्ड द बॉयज, क्योंकि वो ऑर्डर दिया है टू गेट आउट ऑफ द कार। फिर है माई सिस्टर सेड टू द रॉबर आई विल कॉल द पुलिस, माई सिस्टर वॉन्ड द रॉबर दैट शी वुड कॉल द पुलिस। तो ध्यान रखिए यहाँ पर विल है, तो वो विल जो है वुड बन जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट ऑर्डर नहीं है, यहाँ आई भी यूज है, तो इसलिए वो शी बन जाएगा, क्योंकि उस सिस्टर की यहाँ पर बात हो रही है। फिर लास्ट है आपका इलेक्ट्रीशियन सेड टू मी डोंट टच द वायर, द इलेक्ट्रीशियन वॉन्ड मी, उसने मेरे को बोला, आगाह किया कि नॉट टू टच द वायर। तो कोई भी आपको डाउट है तो आप जरूर पूछिए। अब चलते हैं आपकी इकोनॉमिक्स की वर्कशीट पर। आइए बच्चों, अब हम देख लेते हैं अपनी इकोनॉमिक्स की, सोशल साइंस की जो है वर्कशीट, उसको। इसके अंदर हम दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही देखेंगे इसके आंसर्स। तो आप एट द एंड तक इसको वीडियो को देखते रहें, बिकॉज एट द एंड आपको हिंदी और इंग्लिश के आंसर्स भी आपको अलग से हम दिखा देंगे। आइए चलते हैं, आज का टॉपिक जो है उसको कम्प्लीटली तरीके से समझ लेते हैं। इन दिस चैप्टर वी हैव ट्राइड टू अंडरस्टैंड डेमोक्रेसी। हमने इसके अंदर डेमोक्रेसी के बारे में समझा था बाय आइडेंटिफाइंग द फीचर्स एंड मेरिट ऑफ इट। तो हमने पिछले कुछ वर्कशीट में देखा था कि क्या डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या हैं और उसकी खासियत क्या है, और हमने उसकी कमियां भी देखी थी। तो आज हम उसके आगे पढ़ने वाले हैं। एट अ डिसीजन दैट रूल ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पीपल इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। तो बेसिकली डेमोक्रेसी एक ऐसा रूल है, गवर्नमेंट है, जिसमें रिप्रेजेंटेटिव्स मतलब हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स खड़े होते हैं, और जहां पर पीपल द्वारा उनको इलेक्ट करा जाता है उसे कहते हैं डेमोक्रेसी। इवन इन दोज कंट्रीज विच वी कॉल डेमोक्रेटिक ऑल द पीपल डू नॉट रूल द मेजोरिटी बट द मेजोरिटी इज अलाउड टू टेक डिसीजंस ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। सो बेसिकली यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैसे इंडिया जैसे देश में भी सब लोग जो है रूल करके उसके डिसीजन नहीं लेते, कुछ लोग जो हम रिप्रेजेंटेटिव जिनको चुनते हैं वो हमारे बिहाफ पे डिसीजंस लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। द रूल ऑफ मेजोरिटी इज ऑल्सो डन थ्रू द इलेक्टेटिव रिप्रेजेंटेटिव, जो मैंने अभी समझाया, जिनको आप चुनते हैं बेसिकली। जैसे हम अगर दिल्ली में देखें तो हमने आम आदमी पार्टी को चुना हुआ है, तो बेसिकली हमने केजरीवाल को चुना हुआ है कि वो हमारे सारे के सारे काम करेगा। अगर हम सेंटर में देखें तो मोदी जी हैं, उनको हमने चुना हुआ है कि वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं इंडिया के। आगे चलते हैं, आगे इन्होंने क्या बोला है, वाई रूल बाय रिप्रेजेंटेटिव, हमें क्यों रिप्रेजेंटेटिव चाहिए। कुछ यहाँ पे दो पॉइंट दिए हैं। मॉडर्न डेमोक्रेसी इन्वॉल्व सच एज लार्ज नंबर ऑफ पीपल, जैसे इंडिया में इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, दैट इज फिजिकली इम्पॉसिबल फॉर देम टू सिट टुगेदर एंड टेक कलेक्टिव डिसीजन। देखो आज अगर हमें कोई डिसीजन लेना है, हमारे घर में भी अगर कोई डिसीजन लेना होता तो बहुत टाइम लग जाता है, 2 या 3 दिन। अभी तो हम 4 या 5 लोग होते हैं जहाँ पे डिसीजन लेना होता है। अगर करोड़ों लोगों की जनता से अगर रोज बैठ के वोटिंग कराई जाए कि बताओ आज हम पेट्रोल का प्राइस ये रखें, आज हमें यहाँ पे पुल बनाना है, तो कैसे होगा, काम नहीं चल पाएगा। बट हम क्या करते हैं, इसलिए क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव चाहिए होते हैं, दैट्स वाई हमें रिप्रेजेंटेटिव चाहिए। इवन इफ दे कुड, अगर ये चीज पॉसिबल होती तब भी सिटीजन्स नीदर हैव द टाइम, क्या आपके पास टाइम है रोज बैठ के सरकार के डिसीजन लेने का, द डिजायर ऐसा है भी नहीं। कि अगर हम आपको डिजायर की अगर मैं बात करूं तो देखो
हमारे पास डिजायर भी नहीं है, मतलब हमारे पास इच्छा भी नहीं है वो करने की। क्यों? क्योंकि अगर मैं वोटिंग की बात करूं, साल में एक दिन वोटिंग का होता है, जिस दिन छुट्टी दी जाती है उस दिन भी लोग घूमने चले जाते हैं, वो सरकार को चुनने का काम नहीं करते। जिस दिन जिस काम के लिए छुट्टी दी जाती है उस दिन भी वो घूमने चले जाते हैं और घर से बाहर भी नहीं निकलते और आराम से बैठते हैं। तो डिजायर भी नहीं है लोगों के पास कुछ चेंज आने का। स्किल टू टेक पार्ट, स्किल भी नहीं है। आपको क्या पता है आपका एमएलए का नाम क्या है, उसकी क्या क्वालिफिकेशन है, या और डिटेल्स आपको पता है आपके एरिया की? नहीं पता। तो आप खुद सोचें आपके पास क्या वो स्किल है इतनी सारी नॉलेज रखने का। तो इसीलिए रिप्रेजेंटेटिव चाहिए। अब यहीं पे मेरा जो आपसे क्वेश्चन है, वो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने स्किल सेट बढ़ाएं। ऐसा नहीं है कि नहीं है तो नहीं रखेंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, विनती है कि आप अपना स्किल सेट बढ़ाएं, अपने एरिया की नॉलेज अपने पास रखें। डेमोक्रेसी एट डिफरेंट लेवल। डेमोक्रेसी आपको ये नहीं लगनी चाहिए कि सिर्फ देश में होती है, हमारे घर में भी होती है, हमारे स्कूल में भी होती है। देखो यहाँ पर है, वन लीडर एंड हिज फैमिली मेंबर डिसाइड एवरीथिंग इन द पॉलिटिकल पार्टी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये डेमोक्रेसी नहीं है। ठीक है, तो अगर जैसे आप देखें यहाँ पे जो बात करी जा रही है, ये कांग्रेस सरकार की जैसे बात करी जा रही है कि वहां पे एक ही बंदे हैं, एक ही फैमिली के जो हैं वो लीडर बनते जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसी तरीके से अगर हम टीचर्स को देखें स्कूल में, वो हम बच्चों को अगर अलाउ नहीं करते स्टूडेंट्स को बोलने के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए, तो वो भी डेमोक्रेसी नहीं है। तो हमें बच्चों को अलाउ करना चाहिए कि उनकी क्या दिक्कतें हैं वो भी बोल सके। घर के डिसीजन, मेजर डिसीजन इन फैमिली आर टेकन बाय द हेड ऑफ द फैमिली और कलेक्टिवली बाय द फैमिली मेंबर्स। तो क्या ऐसा होता है? अगर ऐसा होता है आपके घर में कि फैमिली मेंबर बैठ के डिसीजन लेते हैं, कुछ भी डिसीजन लेना हो, तो उस केस में तो डेमोक्रेसी चल रही है। अगर नहीं तो बिल्कुल उसमें कुछ प्रॉब्लम है। आगे चलते हैं। इन रियलिटी अ डेमोक्रेटिक डिसीजन इन्वॉल्व्स कॉन्स्टिट्यूशन विद एंड कंसेंट ऑफ ऑल दोज हु आर अफेक्टेड बाय द डिसीजन। सपोज करो कोई भी डिसीजन है, सपोज करो वुमेन्स के लिए डिसीजन लिया जा रहा है, वुमेन को ही उस डिसीजन में पार्ट नहीं लिया जाए, पार्ट नहीं कराया जाए, तो उसका डिसीजन का फायदा क्या? वो डेमोक्रेटिक कहाँ से हुआ? सपोज करो बच्चों के ऊपर कोई डिसीजन होने वाला है, अब बच्चे तो खुद जाके डिसीजन नहीं ले सकते, उनके पेरेंट्स से नहीं पूछा जाए तो किस बात का डिसीजन? तो जब भी कोई डिसीजन लिया जाता है जिनको इफेक्ट करेगा वो चीज, उनको उस डिस्कशन में पार्ट जरूर लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि उनको छोड़ दिया जाता है। अगर छोड़ दिया जाएगा तो वो डेमोक्रेटिक डिसीजन नहीं है। इट मीन्स दोज हु आर नॉट पावरफुल हैव द सेम इम्पोर्टेंस इन द डिसीजन मेकिंग। तो इसका मतलब यह है कि जो पावरफुल नहीं है उनका भी से होता है डेमोक्रेटिक कंडीशंस में। दिस इज इक्वली अप्लाई टू गवर्नमेंट और फैमिली और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। ये बोल रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं होता तो आप उसके खिलाफ वॉइस भी कर सकते हैं, अपनी आवाज उठा सकते हैं। आगे चलते हैं, सिटीजन्स का क्या रोल है एक डेमोक्रेसी में? द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस शुड बी डेमोक्रेटिक इन आइडियल डेमोक्रेसी। वॉट वी डू एज सिटीजन्स ऑल्सो मेक अ डिफरेंस। देखो हमारा एज अ सिटीजन क्या रोल है? सबसे पहला रोल है कि हम वोट करें। ठीक है, और वोट करने से क्या होगा, हम अपनी डेमोक्रेटिक पावर अपनी दिखाएंगे। उसके बाद हम अपने आसपास साफ स्वच्छ रखें और बेटर तरीके से हम चीजों को निभाएं, अपने दोस्तों को अपने साथ रखें, साथ में कोई मतभेद ना रखें कोई रिलीजन का या फिर किसी चीज का। ये भी डेमोक्रेसी है। द फेट ऑफ द कंट्री डिपेंड नॉट जस्ट ऑन द रूलर बट मेनली ऑन द सिटीजन ऑल्सो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अच्छा रूलर ही काम आपके लिए करेगा, सिटीजन की भी बहुत अच्छी इंपॉर्टेंस है। सच टाइप ऑफ थिंग डिस्टिंग्विश एंड मेक डेमोक्रेसी सुपीरियर फ्रॉम अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाइक मोनार्की, डिक्टेटरशिप। मोनार्की हो गया जहाँ पे किंगशिप होता है। किंगशिप आपने देखा होगा, जैसे क्वीन एलिजाबेथ इंग्लैंड में किंगशिप है, उसी तरीके से थाईलैंड में भी किंगशिप है। डिक्टेटरशिप साउथ में, सऊदी अरब में डिक्टेटरशिप चलती हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे केसेस रहे हैं, बगदादी एंड ऑल दैट, जहाँ पर डिक्टेटरशिप की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स होती थी। तो डेमोक्रेसी के लिए हमें क्या क्या इम्पोर्टेंस है एज अ सिटीजन, वो भी हमें जानना जरूरी है। आइए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, इसी चीज का हिंदी में भी देख लेंगे। हु आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इन अ डेमोक्रेसी? इसका आंसर मैं हिंदी के साथ दिखाऊंगा, लिखा हुआ है, एक थोड़ी देर में देखते हैं उसको।
Why people are ruled by elected representative only in democracy? यहाँ पे इनका जो सेकेंड आंसर हो जाएगा वाई का, ये दो पॉइंट हो जाएंगे आपको, ये दो पॉइंट आपको लिखने हैं, ये है आपका आंसर नंबर टू। आइए चलते हैं आंसर नंबर थ्री की तरफ। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ टेकिंग डिसीजन इन डेमोक्रेटिकली, कैसे कैसे डिसीजन लिए जाते हैं। सो आपका इसका आंसर हो जाएगा ये वाला, डेमोक्रेटिक डिसीजंस इन्वॉल्व, ये पूरा का पूरा रहेगा यहाँ तक, ये डेमोक्रेसी से लेके ऑर्गेनाइजेशन तक पूरा आंसर ये रहेगा, हमने पहले डिस्कस कर लिया है। तो सेम आंसर मैं आपको हिंदी में भी दिखा देता हूँ, आंसर नंबर फोर मैं आपको हिंदी के आंसर के बाद, हिंदी के डिस्कशन के बाद आपको इकट्ठा दिखा दूंगा। पहले क्वेश्चन की तरफ, लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधि कौन होते हैं? तो पहले का आंसर मैंने आपको बताया कि अभी आपको दिखा देते हैं। लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधि के द्वारा की शासन क्यों होता है? तो इसका आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ, ऊपर ही है इसका आंसर आपका, यहाँ पर होगा ये दो पॉइंट, ये दो पॉइंट आपको यहाँ पर लिखने हैं आंसर नंबर टू के लिए। आंसर नंबर थ्री पे चलते हैं। आंसर नंबर थ्री है, लोकतांत्रिक तरीके से फैसले लेने की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए, क्या क्या प्रक्रिया है लोकतांत्रिक डिसीजन लेने की। तो हम यहाँ से लिखेंगे ये पूरा पैराग्राफ, ये पूरा पैराग्राफ हो गया आंसर नंबर टू। आंसर नंबर वन और फोर के लिए अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, वो खुद जो हमने लिखा है दिया है आंसर नंबर वन का, तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं, और आंसर नंबर फोर आपको ये दिख जाएगा। तो अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, अगली बार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।